सामने से ही आप बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र में घर घर जा करके अभियान चला रहे थे। बाढ़ नगर में कड़वा के प्रति आप क्या पाए, मैंने क्या नगर के प्रति आपकी क्या भूमिका? हमें शुरू से ही नगर को देखने की इच्छा था कि नगर किस हालत में है, और हमने 2700 वार्ड घूम लिया और पूरा नगर को देखा। बहुत सारे वार्ड में अभी भी जल की निकासी के नहीं है, सब जगह पानी भरा हुआ है, और जगह रोड नहीं है, गली कुची में नाला नहीं है, बहुत घर में अभी जल नल योजना का पानी नहीं पहुंचा है, पाइप लग गया है, पानी की उसमें व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है कि आप इस बार जो चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो आप प्रत्याशी का आपको क्या मोटो है? हम चुनाव जीत के जाते हैं तो मेरा सेवा ही धर्म है, हमें बार नगर परिषद से तरफ से मैं सेवा ही करूँगा 2700 वार्ड के जनता का, जो भी कम्युनिटी नज़र आएगी मैं उनको पूरा करूँगा। अभी तक जो काम हुआ नगर परिषद से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बहुत काम, मैंने काम हुआ ही नहीं है ना, काम हुआ नहीं, काम होता तो दिखता, काम हुआ ही नहीं। सर विकास मॉडल आपका क्या रहेगा? सर विकास मैं करूँ पूरा बाढ़ में विकास करूँगा। सरकार बहुत सारे से बाढ़ में, अभी वार्ड नंबर 3 हो गया, वार्ड नंबर 25 हो गए, 26 हो गए, इससे पूरा जल जमा, पानी का निकास नहीं है, इस सब का मैप बनवाना पड़ेगा, किस तरफ पानी का निकास होगा, खर्चा आएगी, निकास होगा। आप नामांकन पर्चा कब भरेंगे? नहीं कर करूँगा बृहस्पतिवार को 15 तारीख। आप अभी भाजपा में किस पद पर हैं? सुना जा रहा है कि आप भाजपा में भी हो? हाँ ठीक सुने हैं, क्योंकि भाजपा का जिला को सदर किस पद पर है? जिला को सदर। भाजपा में भी आपकी कार्य की सराहना हो रही है, ऐसा क्या बात है? मैं वहाँ भी ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ। मेरा भी हूँ भाजपा में 6 साल। अब तक ये कितने वार्डों का भ्रमण आपने किया है? 2700 वार्ड का भ्रमण कर। क्या रिस्पॉन्स क्या मिला? बहुत अच्छा है, अभी नए लोग कई लोग जा रहे हैं, नया चेहरा देखा जा रहा है, तो कितने पुराने आपके हैं सबको नकार दिया। आपके परिवार से भी पार्षद रहते हैं? हाँ, मेरे वहाँ की पत्नी है। अच्छा, संपर्क में थे तो टैक्स की मार झेल रहे हैं, इस प्रकार की शिकायत आपके कानों तक आई, तो कैसे आप उसको मिनिमाइज करेंगे अगर आप निर्वाचित हो? टैक्स में है जैसे अब शौचालय हो गया, शौचालय तो खुद अपना हो गया, लेटरिन हो गया, अपनी सफाई करना है, उसमें पालिका से कोई मतलब नहीं, सफाई कर्मचारी आएगा तो सफाई करेगा, इसका जो टैक्स लग रहा है तो माफी होगा। दूसरा पानी का, पानी में अब बुनियादी 5% गर्मी है, तो पानी की खुद व्यवस्था नागरिक खुद अपने कर रहे हैं, उसका टैक्स क्यों देगा? उसका अनावश्यक बोल जाए कम जाएगा शौचालय से जल से, और बाकी भी टैक्स में अभी बहुत कम होगा, ऐसा बोले तो टैक्स कम किया जा सकता है। लाइटिंग व्यवस्था अच्छा नहीं है, मैंने जो यहाँ के चेयरमैन थे उनका जो वार्ड कमिश्नर थे उनके बारे में मोहल्ले में जाकर लगा, जो उनके विपरीत थे उनके संडे जी। एक चीज और बताइए कि जितना बाढ़ है प्रत्येक बाढ़ में हर नुक्कड़ चौराहे पर नल की व्यवस्था की गई है, उसकी उपयोगिता आप कहाँ तक मानते हैं? आप भी घूमे हर जगह, घूमे बहुत जगह, शहर का पानी आता ही नहीं नल में, ठीक है, नल लगा और नल सब है लेकिन पानी आता नहीं है, और कहीं भी पानी इतना फ्लो हो रहा है कि कोई टोटी नहीं है, तो पानी बर्बाद हो रहा है। इस व्यवस्था करेगी कि ताकि पानी का जो बर्बाद होता है उतना न हो।